मेरे भाइयों और बहनों, आपकी अपनी कठिनाइयां हैं। ये पंचायत का सिलसिला मैंने ही शुरू किया। सबसे पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने पहली कोई पंचायत बुलाई थी तो वो कोटवार पंचायत ही बुलाई थी, और उस पंचायत में मैंने कहा था कि कोटवार मेरे जासूस है, जासूस हर अच्छे बुरे की खबर देंगे, और वो काम आप अभी तक कर रहे हो। और इसलिए मेरे कोटवार बहनों और भाइयों, एक तो आप सब स्वस्थ और प्रसन्न रहें, इसलिए सभी कोटवारों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। अब मैं देख रहा हूं कोई नीली वर्दी में है, कोई खाकी वर्दी में है। अरे वर्दी का रंग एक होना चाहिए कि नहीं? काम एक तो निकुंज वर्दी एक भाई, और इसलिए नीली चाहिए कि खाकी? और इसलिए अब कोटवारों की वर्दी का कलर खाकी किया जाएगा। आगे भी आपके भलाई के काम मैं करता रहूंगा। आप गांव की चिंता करें, आपकी चिंता आपका भैया करेगा, आपका मामा करेगा। अपना गांव कैसे बढ़िया चले, इसमें भी आप दत्तचित्त होकर काम करें, और मैं सीधे सीएम हाउस से जोड़ूंगा आपको, ताकि जरूरी जानकारी मुझे भी आप देते रहें। बोलो सब मुझे जानकारी भेजेंगे। एक अवसर में तय कर दूंगा ताकि कोटवारों से जानकारी आए, और समय समय पर साल में एक बार आपका सम्मेलन भी करूंगा। मित्रों, हम सब मिलकर साथ चलें अपनी जनता के सेवा के लिए और मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए। मुझे आप सबका साथ चाहिए। बोले सबका साथ मिलेगा, मामा के साथ रहेंगे, भैया के साथ रहेंगे, तो मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, कोटवार बहनों और भाइयों की, हम सब बहुत बहुत धन्यवाद। आप राजस्व प्रशासन की रीढ़ की हड्डी हैं, आप ना हो तो प्रशासन वेंटिलेटर पे चला जाए। प्रशासन के लिए कर्णधार हैं आप, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि चाहे वो राजस्व विभाग हो चाहे अन्य विभाग हो, पूरी और सही जानकारी चाहिए तो मददगार केवल कोटवार है। गांव में किसी परिवार में जन्म हो तो बधाई देना है, गांव में कहीं कोई शौक हो जाए, मृत्यु हो जाए तो भी सूचना रखना है, जानकारी अपडेट करना है। गांव में प्राकृतिक आपदा आ जाए, भगवान ना करे आए, ओले इली सूखा पाला, पहली जानकारी देते हैं तो कोटवार देते हैं जाकर प्रशासन। आपदा की सूचना देना हो, सीमांकन का आंकड़ा बताना हो, पुलिस विभाग को भी सही सही जानकारी आपसे ही मिलती है। ऐसी आपके पास गांव की कुंडली रहती है पूरी, कहां क्या हो रहा है और कौन क्या कर रहा है, उसी के आधार पर कई चीजें ठीक की जाती है। हम गांव में कोटवार को छड़ीदार भी कहते थे, छड़ीदार। आज इस सम्मेलन में मुझे आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता है। कोई भी कार्यक्रम हो गांव में, अगर मुनादी करना है कि मुख्यमंत्री आज संबोधित कर रहे हैं, भैया इकट्ठे हो जाइयो, तो मुनादी का काम भी हमारे कोटवार भाई बहन करते हैं। गांव में क्या हालत है, कानून व्यवस्था की, इसकी जानकारी तहसील में हर महीने बैठक में भी आप देते हैं, और चुनाव में भी
ड्यूटी लगाना हो तो छड़ी लेके कोटवार खड़े रहते हैं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं आज आपका हृदय से स्वागत करता हूं।